हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ सोसाइटी कलेक्टेड रुपीज 92.16। इच मेंबर कलेक्टेड एज मेनी पैसे एज देयर वर मेंबर्स। हाउ मेनी वर देयर एंड हाउ मच डिड इच कंट्रीब्यूट। तो बोला है यहाँ पर कि एक सोसाइटी ने कलेक्ट किया 92.16 रुपीज। सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट है बड़ा सा, उसमें जितने लोग रहते हैं सब लोग मिला करके बोलते हैं अपने आप को कि हम लोग एक सोसाइटी हैं, या फिर कोई एक कॉलोनी है वहाँ के लोग जो सब मिल करके रहते हैं उनको वो बोलते हैं अपने आप को कि वो एक सोसाइटी है वो, ठीक है। तो सभी लोगों ने क्या किया कि कुछ पैसे जो है कलेक्ट किए, और वो पैसे कलेक्ट किए 92.16 रुपीज़। अब कह रहा है कि ईच मेंबर, अब जो सोसाइटी का ईच मेंबर है, कलेक्ट किया एज मैनी पैसे, उतना ही पैसे कलेक्ट किया जितना कि उसमें मेंबर्स थे, ठीक है। तो हाउ मैनी वर देयर, तो कितने मेंबर थे, एंड हाउ मच डिड इच कंट्रीब्यूट, और कितने इच ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये तो हमें पता है कि जितने वहाँ पे होंगे उतने ही कंट्रीब्यूट किए होंगे, लेकिन कितने हैं ये पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी पैसे बोला है, पैसे को पैसे की तरह ही सोचिएगा, ठीक है। जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं पैसे का मतलब कि रुपया, ये नहीं होगा, यहाँ पर पैसे का मतलब पैसा ही है। ओके, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले यहां पे मान लेंगे कि लेट लेट देयर वर एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स, एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सोसाइटी। यदि आपने मान लिया कि सोसाइटी में एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इच मेंबर ने एक्स पैसे ही कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बोला है कि एज मेनी पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं एज देयर वर मेंबर्स। तो मेंबर्स यदि एक्स मेंबर, एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यदि सोसाइटी में, तो इसका मतलब कि इच मेंबर जो है एक्स रुपीज ही कंट्रीब्यूट किया है। देन इच मेंबर कंट्रीब्यूटेड एक्स पैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें टोटल मनी निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये मिलेगा हमें पैसे के फॉर्म में। तो टोटल मनी कलेक्टेड इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, क्या मिल जाएगा, ये पैसे मिल जाएगा, टोटल पैसे। तो यहां बताइए एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे टोटल मनी निकालने के लिए। यदि आप ये सोच रहे होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इच मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया एक्स पैसे, ठीक है। अब एक्स पैसे को एक्स टाइम्स ऐड करेंगे, मैंने एक्स पैसे को एक्स बार ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स एक्स मेंबर भी हैं, तो एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं कितना पैसा देंगे, एक्स रुपीज एक्स पैसे दे रहे हैं, तो एक्स को हमें एक्स बार ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा टोटल मनी। और टोटल जो मनी कलेक्ट हुआ है वह हो गया एक्स इंटू एक्स पैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x को x बार ऐड करने से बेहतर होगा x को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इंटू एक्स पैसे आ गया टोटल मनी। अब ये जो पैसे होगा वह इक्वल होगा 92.16 रुपीज के, लेकिन ये तो रुपीज में दिया हुआ है और ये पैसे में आया है, इसीलिए इस पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तब जाकर बनेगा ये रुपीज में, मतलब कि ये अब बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान 100 रुपीज। तो इतना रुपीज जो है इक्वल है 92.16 के। तो सो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर अपान 100 इज इक्वल टू 92.16। इट इम्प्लाइज यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 92.16 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल जो है हट जाएगा पूरी तरह से और ये आ जाएगा 9216, ठीक है। देखिए डेसिमल को हटाने के लिए ही ये जो है 100 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा एक्स, यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 9216, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहां पर अब जो है 9216 का हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर निकाल लेते हैं 9216। तो यहां पर पहले ले आते हैं किससे, हाँ 8 2 16 एंड हाँ 8 से कट जाएगा ये बिल्कुल, तो 8 से कटाते हैं इसको, 8 1 8 12 हो गया, 8 1 8 4 हो गया 41 एंड 8 5 40 और एंड 8 2 16। अब ये भी 8 से कटेगा तो 8 1 8 कितना बचा, ये हो गया 335, 8 4 32 32 हो गया, 32 हो गया फिर से, तो 8 4 32। अब ये फिर से कटेगा 8 से, तो ये हो जाएगा 8 1 8 8 8 64। अब ये 2 से कटेगा 2 9 18 और ये 9 से कटेगा 9 1 9। मतलब कि अब इसको फैक्टराइज करके इसको लिखेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है, ये जो है दिखाना जरूरी नहीं है, या फिर आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो 8 को लिखना होगा 2 × 2 × 2, दूसरा वाला 8 है इसको भी लिख लिए, फिर तीसरा वाला यहाँ पर 8 है, फिर ये 2 है, उसके बाद 9 है, 3 × 3। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे और पेयर बना के निकालेंगे, तो 2 2 यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, मतलब कि 2 × 2 × 2 1 2 3 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 जा क्या हो जाएगा, 32 3 जा हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 मीन्स 96 आ जाएगा, मीन्स देयर वर 96 मेंबर्स, हमें मिल गया एक्स की वैल्यू। तो हो जाएगा आंसर कि हैंस देयर वर 96 मेंबर्स इन द सोसाइटी एंड ईच कंट्रीब्यूटेड 96 पैसे, ठीक है। तो 96 मेंबर्स थे उसमें और 96 पैसे ईच ने कंट्रीब्यूट किए, तो दिस इज योर आंसर 96 एक्चुअली। और होप कि आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।